पंजाबी भाषा में प्यार करने वाले स्रोतियों का तहे दिलों धन्यवाद। अज तुम सुनोगे डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर जी द्वारा लिखी किताब कुंजियां। किसी स्त्री पुरुष के चरित्र जा सुहिरदता की परख उदों हुंदी है जदों एक विकलांग अते पूर्ण भांत दूजे उत्ते आसरित हो जाता है। अजिही हालत विच जे एक दूजे नूं छड्ड जावे तां इस नूं सधारण वर्तारा समझा जाता है, पर अजिहे समय पति पत्नी वालों एक दूजे का साथ देना अते देखभाल करनी होरां लई उदाहरण बन जाती है। एक चोर ने घर अंदर दाखिल हो के कीमती चीज़ों की गठड़ी बनाई अते कुछ होर लभण दी आस विच उसके पैर की एक भांडे नाल ठोकर वजन ते घर वाले जाग पे। चोर दौड़ के घर की बाहरली कंध ते चढ़ गया। घर के एक तकड़े बंदे ने चोर के कंध ते चढ़द्या उस दे एक पैर का गिट्टा फड़ लिया। माहिर चोर नू मनुखी सुभाव की समझ सी। गिट्टा फड़े जाने चोर ने दर्द भरी आवाज विच कहा, वेखी यार गिट्टे ते फोड़ा है। यह सुन के पकड़न वाले की पकड़ ढिली हो गई अते चोर दौड़ गया। घर वाले ने पूछा, तू उसका गिट्टा क्यों छड़िया? मैं तां छड़िया सी कि चोर ने कहा सी गिट्टे ते फोड़ा सी। घर वाले ने कहा, तेनू की चोर दे फोड़े नाल मनोविज्ञानिक तौर ते कोई भी हुंदा फोड़े की गल सुन के उसने गिट्टा छड़ देना सी। चोर भी मनुख सी, उस विच भी पीड़ का एहसास उतना ही तीबर सी जितना हर किसी विच हुंदा है। चोर चोर ही नहीं सी, उसनू मनुखी मनोविज्ञान अते मनुखी विहार की डूंघी सोझी भी सी। उम्र के वधन नाल हर किसी की याद शक्ति घटती है अते कईयां दी गवाच भी जाती है। याद शक्ति गवाचन के बावजूद पुरश नहीं भुलदा कि वह पुरश है, इसत्री नहीं भुलदी कि वह इसत्री है, पर वह अपने आप नूं की समझते हैं यह भुल जाते हैं। उन्हां दा विहार दसदा है कि उन्हां नूं पता है कि उन्हां कोलों कुछ गवाच गया है, पर की गवाच गया है याद नहीं हुंदा। जे इह घरों बाहर जाण तां घर नहीं मुड़ सकते, घर दा रस्ता भुल जाते हैं। अजिहे व्यक्ति कई बारी अपना नाम भी भुल जाते हैं। अजिहे व्यक्तियों की जेब विच इन्हां दोहां पते अते फोन नंबर वाला एक कार्ड पाउणा चाहिंदा है। जे हर वेले मौज मानण लई कहा जावे अते वसीले भी दित्ते जाण तां भी मनुख कुछ दिनां विच अक जावेगा। उवें ही जिवें किसी नूं हर वेले खाण लई केवल केक दिता जावे, जे किसी नूं हर वेले अंग रखकां विच घिर के रहना पए तां जिंदगी जंजाल बन जावेगी। जे महल दे अंदर ही रहन दी मजबूरी होवे तां दिल हर वेले बाहर जाण लई तांगदा रहेगा। चंगियां सोहणियां स्वादी चीज़ां तां ही प्रभावित करदियां हन जे इन्हां लई जतन किते जाण अते इन्हां नूं वरतन दी खुल होवे, पर चीज़ां दी थुड़ होवे। एक फुटबाल अपने सामने रख के वेखो, कुछ भी अगे पिछे सज्जा खब्बा उत्तर दखण नहीं होवेगा। यह गुमराह करन लई वस्तु दे घड़े नियम हन। साडा सूरज डुब रहा हुंदा है, अमरीका दा चढ़ रहा हुंदा है। सूरज दा डुबना चढ़ना भी मन घड़त है। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी चार्लस डार्विन बड़ा नरम दिल सी। ओह भी होरां वांग मच्छियां फड़नियां चाहुंदा सी, पर फड़न वास्ते ओह कुंडी विच गंडोआ पराउण दी बेरहमी नहीं सी कर सकदा। उसदा परिवार डाक्टरी पेशे वाला सी, पर ओह इस लई डाक्टर ना बन सकिया क्योंकि डाक्टरी दी पढ़ाई विच डड्डुआं ते सहयां दी चीरफाड़ वेख के उसनू उल्टी आ जाती सी। वह ऑपरेशन दौरान शरीर की कटवट नहीं सी वेख सकता। शर्माकल होने कारण वह अपनियां पुस्तकां ते होने वालियां गोष्ठियां विच भी आप नहीं सी जांदा, अपने दोस्त हरकसले नू भेज दिंदा सी। डार्विन दे प्रभाव का महत्व इस तत्व तो लाया जा सकता है कि कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक कैपिटल दा अंग्रेजी रूप डार्विन नूं समर्पण करना चाहुंदा सी, पर शर्माकल डार्विन ने मना कर दिता सी। डार्विन सधारण व्यक्ति की तुलना विच सब पक्षों कमजोर सी, पर उसका सिद्धांत शक्तिशाली सी। उसने साबित किया कि कमजोर डरू शर्माकल आदि भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। विश्वीकरण नाल जिस प्रकार का संसार उसर रहा है उस विच ना कोई भारतीय कंपनी होवेगी
ना कोई भारतीय उत्पाद होगा, ना कोई भारतीय टैक्नोलॉजी होगी। हुण विज्ञानी सारे विश्व के होंगे, उन्होंने नाम नाल हुण देश का नाम दसन की लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि वह जम्मिया किधरे हुंदा है, पढ़िया किधरे होर हुंदा है। पिता एक देश का, माँ किसी होर देश की हुंदी है, प्रयोग किसी होर देश विच करदा है, रहिंदा किसी होर देश विच है। सब कुछ सारे विश्व का हो जाएगा। उन आस्ट्रेलियन भेट की होगी, मुन्न वाला नॉर्वे का होगा। इसकी प्रक्रिया जर्मन मशीनों से चीन विच होगी। उन्नी कपड़े भारत विच बनणगे, विकणगे अमरीका विच, जिन्हां नूं एशियाई सैलानी खरीदणगे, आदि आदि। अजिही प्रक्रिया जारी है। एक तैराक रात वेले तैरन दे अभ्यास लई गया। बत्तियां बुझियां होईयां सन। वह पहला भी कई बारी हनेरे विच तैरिया करदा सी। वह स्प्रिंग बोर्ड ते उच्चा होर उच्चा गया। तैराकी का अभ्यास करन तो पहला वह प्रार्थना करिया करदा सी। ज्यों ही उसकी प्रार्थना मुक्की, बिजली आ गई अते बत्तियां जग पईयां। स्विमिंग पूल की मरम्मत कारण स्विमिंग पूल विच मलबा सी, पानी नहीं सी। जे वह छाल मार दिंदा तां उसने मर जाना सी। बत्तियां दा जगना प्रार्थना दा नतीजा नहीं सी, यह निरोल सबब सी। अजिहे सबब वापरन कारण व्यक्ति दा प्रार्थना विच विश्वास उपजना सुभाविक हुंदा है। एक लड़की ढेंदी कला विच सी। हस्पताल विच दाखल करके कई ढंगां नाल इलाज किया गया, कोई फर्क ना पिया। उस दे डॉक्टर ने उस दे रोग ते खोज भी की। आखिर उसनू पहाड़ी इलाके दे एक सैनिटोरियम विच भेजा गया। सैनिटोरियम दे डॉक्टर ने मुआयना किया तो लड़की दे शरीर विच सब कुछ सही सिद्ध होया। उसने यह गल पिछले डॉक्टर नाल सांझी की। उस पुराने डॉक्टर ने आके लड़की नू पुछया कि उसके जीवन विच पिछले हफ्ते कोई वड्डी तब्दीली वापरी सी। लड़की ने कहा, 20 सालों तो धोखा देने वाले प्रेमी नू मैं डूंगी नफरत करती रही हाँ, जिस कारण मैं ब्याह भी नहीं सी करवाया। एक रात पिछले हफ्ते सौन लग्या मैं उसनू माफ़ कर दिता सी। उस रात मैनू डूंगी नींद आई सी, मैं रज के रोई भी सी। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि इस लड़की की मानसिक हालत बदल गई सी, जिस कारण इसकी शरीरक हालत भी बदल गई है। ओह आवाजाई नू रोकन रोक देन वाली सोहनी सुनखी नार सी। उसकी हाजरी बर्फबारी विच धुप वर्गी सी। ओह सुकरात अते प्लेटो दियां गल्लां इवें करदी सी जिवें उन्हां नाल बचपन विच पीचो खेडदी रही होवे। ओह कविता वांग प्यारी अते संगीत दी सुर वांग सुरीली सी, पर जिस नाल उसने प्यार करन दा भुलेखा खादा ओह मार्क्सवाद दा ढाडी सी। सिद्धांत वांग ठंडा रिश्ता मुरझा गया सी। उसने निक्के निक्के संकेतां नाल विरोध प्रगटाउणा आरंभ किया। नहाउण लई ओह पहला जाया करदी सी अते नहाउण मगरों गुसलखाना सुका दिंदी सी। उसने पति लई गुसलखाना सुकाउणा बंद कर दिता। पहला वह पति नूं चाह उसके मनपसंद प्याले विच पा के दिंदी सी, मगरों वह होर होर प्याले विच पाउण लग पई। उस विच कोई वड्डा विरोध करन दी हिम्मत नहीं सी, वह चुप रहन लग पई। सुंदरता नाल इहो जिहे दुखांत ही वापरदे हन। एक व्यक्ति ने विआह उपरंत अपनी पत्नी नूं किसी होर गल दे संदर्भ विच कहा कि तेरी भैण तेरे नालों बहुत सोहनी है, उस सामने तू तो कुछ भी नहीं। पत्नी ने सारी उम्र पति नूं माफ ना किया अते निरंतर परेशान करती रही। महत्वपूर्ण रचनावां अते काढ़ां अपना यथार्थ आप सिरजदियां हन। जिवें मार्कस दियां रचनावां नूं पढ़ के संसार ने दुनिया नूं मार्कस दे विचारां दी रोशनी विच ध्यान नाल वेख्या। फ्राइड नूं पढ़ के मन अते चेतना दे अर्थ ही बदल गए। उस तो पहला शेक्सपीयर दे हैमलट नूं पढ़ के हर कोई हैमलट वाली दुचित्ती दा शिकार हो गया। टैलीफोन दी काढ़ नाल गल्लबात दा ढंग ही बदल गया। कंप्यूटर ने दिमाग तो बाहर दिमाग सिरज दिता है। इंटरनेट ने दूरियां मिटा दित्तियां हन। इन्हां काढ़ां रचनावां ने संसार दा सब कुछ बदल दिता है।
ਧੀ ਬੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਵੀ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੀਰੇ, ਗਹਿਣੇ, ਘੜੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਤਸਮੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਭਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ, ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਡੋਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁਛਾਉਂਦਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਕੁੰਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਜੋ ਹੈ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੁੰਜੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਆਦਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰ ਗੋਲ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ 2 ਬਲੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਸਿਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਸੈਲਫਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀੜ ਲੰਬੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਠੱਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੱਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿੱਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ 2 ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਰ ਦੌੜਨ ਲਈ ਹਨ, ਪੰਜੇ ਠੁੱਡੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
साडे देश विच जदों कोई भाषण दिंदा है तां हटदा ही नहीं, जिस कारण साडे समागम दसे प्रोग्राम तों पछड़ जांदे हन। दक्षणी अफ्रीका दे जलसिआं विच बुलारे संखेप गल ही करदे हन। कारण यह है कि बोलण दे दौरान बुलारे नूं इक लत्त ते खलौणा पैंदा है। जदों उसने पैर जमीन ते रखणा हुंदा है तां उह इह नहीं कहिंदा कि अंत विच मैं कहना चाहुंदा हाँ, वह इतना ही कहिंदा है कि प्यारे स्रोतियो हुण मैं अपना चुकिया पैर जमीन ते रखदा हाँ। केवल तजर्बे का कोई महत्व नहीं हुंदा, तजर्बे विच प्रयोग भी होने चाहिए हैं। कुछ नवा वापरना भी चाहिए है, सुधार अते विकास दिसना चाहिए है। एक ही विशा एक ही क्लास नूं एक ही ढंग नाल पढ़ा पढ़ा के अध्यापक अवेसले नीरस अते बेहे हो जाते हैं। उन्हां विच कोई विकास नहीं वापरदा, वह किसी चुनौती का सामना नहीं करते। एक हैडमास्टर साहब की सेवा मुक्ति मगरों प्रबंधकों ने स्कूल के अध्यापकों विचों हैडमास्टर के अहुदे लई चोण करनी सी। जदों कमेटी ने चोण कर ली तो 20 साल के तजर्बे वाले अध्यापक ने कमेटी के मुखी नूं पुछया, मैनू 20 साल का तजर्बा सी, मैनू क्यों नहीं विचारिया गया? कमेटी के मुखी ने कहा, तुहानू विचारिया गया सी अते तुहाडे बारे विस्थार विच विचार वटांदरा होया सी। कमेटी की तुहाडे तजर्बे बारे राय यह है कि तुहाडे कोल तजर्बा तो 1 साल का ही है, जिसनू तुसीं बिना किसी तब्दीली बिना किसी सुधार 19 साल दोहराया है। चैनल नू सबसक्राइब करने लई धन्नवाद। तुहाडा दिन शुभ रहे। अगर तुसी यह बुक पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन विच दे दिता गया है। धन्यवाद।